हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। अज असी ऑनलाइन लर्निंग दे माध्यम राही सत्तवीं जमात की दोहराई करांगे। सब तो पहला पाठ एक, टाइपिंग ट्यूटर। खाली थावां भरो। नंबर पैड की वरतों लई डैश की ऑन होनी चाहिदी है। ऑप्शंस हन स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक, नम लॉक, ते चौथा है डिलीट। प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है नम लॉक। तुसी इस तस्वीर विच भी नम लॉक नू देख सकते हो। होम रो विच, प्यारे बच्चों, कीबोर्ड विच होम रो कित्थों शुरू हुंदी है? वेरी गुड, ए तो लैके होम रो विच खब्बे हथ दी सब तो छोटी उंगली नल की दबाई जांदी है। केड़ी की दबाई जांदी है? वेरी गुड, ए, खब्बे हथ दी सब तो छोटी उंगली नल ए की दबाई जांदी है। होम रो विच सज्जे हथ दी विचली उंगली नाल केड़ी की दबाई जांदी है? प्यारे बच्चों, सज्जे हथ दी विचली उंगली तुसी देख सकते हो पीले रंग दी है, इस नाल केड़ी की दबाई जांदी है? वेरी गुड, के। दूसरी रो विच खब्बे हथ दी रिंग उंगली नाल डैश की दबाई जांदी है? प्यारे बच्चों, रिंग उंगली छोटी उंगली दे नाल हुंदी है। जेड़ी सब तो साड़ी छोटी उंगली हुंदी है उस दे नाल वाली उंगली नू रिंग उंगली कहा जांदा है। इस चित्र विच रिंग उंगली नू नीले रंग नाल दिखाया गया है। खब्बे हाथ दी रिंग उंगली नाल केड़ी की दबाई जाएगी? W, वेरी गुड। तीसरी रो विच खब्बे हाथ दी इंडेक्स उंगली, इंडेक्स उंगली जेड़ी अंगूठे दे नाल वाली उंगली हुंदी है उसनू इंडेक्स उंगली कहा जांदा है। तीसरी रो विच सज्जे हाथ दी इंडेक्स उंगली नाल डैश की दबाई जांदी है? M अते N, देखो इंडेक्स उंगली हरे रंग नाल दर्शाई जा रही है। M अते N दो कीज इंडेक्स उंगली नाल दबाईयां जांदियां हन। वेरी गुड। खाली थावां तो बाद सही जां गलत। टाइपिंग करन लई कीबोर्ड नू दो भागां विच वंडिया जांदा है। पहला भाग खब्बा पासा अते दूसरा भाग सज्जा पासा। एह सही है। जिहड़ा खब्बे पासे वाला भाग है ओह तुसी खब्बे हथ नाल टाइप करदे हो अते सज्जे जिहड़ा सज्जा पासा है ओह सज्जे हथ नाल। टच टाइपिंग एक अजिही तकनीक है जिस राही असी बिना कीबोर्ड नू देखे तेज रफ्तार नाल टाइपिंग करनी सिखदे हां। एह सही है। अनमोल लिपि फोंट तीसरी सही गलत। अनमोल लिपि फोंट राही असी आसानी नाल पंजाबी विच टाइपिंग कर सकदे हां। एह सही है। स्पेस बार दबाउण लई असी अपने सज्जे हथ दी अंगूठे दी वरतों करदे हां। एह बिल्कुल सही है। शिफ्ट की अगली लाइन ते जाण लई वरती जांदी है। एह गलत है क्योंकि अगली लाइन ते जाण लई सानू एंटर की दबानी पैंदी है। हुण छोटे उत्तरां वाले प्रश्न। सब तो पहला टच टाइपिंग की हुंदी है? टच टाइपिंग एक अजिही तकनीक है जिस राही असी बिना कीबोर्ड नू देखे पड़ा दर पड़ा अपनियां सारियां उंगलां दी वरतों करके तेज रफ्तार नाल टाइपिंग करनी सिख सकदे हां। जेकर असी कीबोर्ड नू देख के एक एक की लब के टाइपिंग करदे हां तां साडी टाइपिंग स्पीड बहुत घट जांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रो उत्ते उंगलां दी स्थिति बारे दसो। प्यारे बच्चों, इस डायग्राम नाल तुसी बहुत ही आसानी नाल
इस प्रश्न का उत्तर याद कर सकते हो। इस प्रश्न नूं जदों भी तुसी याद करो अपने हत्थां नूं बिल्कुल इसे तरह अपनी किताब या कापी ते रख लेना है। अते छोटी उंगली ते असी हुण सब तों पहला खब्बे हत्थ दी गल करांगे। छोटी उंगली ए, रिंग उंगली एस, मिडल उंगली डी अते इंडेक्स उंगली एफ ते जी नूं दबाउणगे। हुण सज्जे हत्थ दी गल करांगे। छोटी उंगली सेमी कॉलन, रिंग उंगली एल, मिडल उंगली के, इंडेक्स उंगली एच ते जे। इस प्रश्न नूं याद करना बहुत ही सौखा है क्योंकि उंगलियां दे नाम ते तुहानूं पहलां ही याद हुंदे ने। तुसी सिर्फ अल्फाबेट्स याद करने हन, उन्हां कीज दे नाम याद करने हन जिहड़े ओह उंगली द्वारा दबाए जाणगे। इक वारी दुबारा देखो, नाले अपने हत्थां च इस नूं याद करना है हाथ दी मदद नाल। सब तों पहला खब्बा हत्थ, छोटी उंगली ए, रिंग उंगली एस, मिडल उंगली डी, इंडेक्स उंगली एफ ते जी। अते सज्जा हाथ, छोटी उंगली सेमी कॉलन, रिंग उंगली एल, मिडल उंगली के, इंडेक्स उंगली एच ते जे। शाबाश। दूसरी रो उत्ते उंगलां दी स्थिति बारे दसो। ए प्रश्न भी बिल्कुल एवें याद करना है। पहले खब्बा हाथ, छोटी उंगली क्यू, रिंग उंगली डबल्यू, मिडल उंगली ई, इंडेक्स उंगली आर अते टी। ए गल ध्यान रखनी है बेटे, जिहड़ी साडी इंडेक्स उंगली है यानी अंगूठे दे नाल वाली उंगली है, ओ दो हमेशा दो अक्षरां नूं दबांदी है। ए हमेशा याद रखना है। अते जेकर तुसी इस उत्तर नूं एवें ही रंगां नाल याद करोगे तां याद करना होर भी सौखा हो जाएगा। सज्जे हाथ दी, छोटी उंगली पी, रिंग उंगली ओ, मिडल उंगली आई, इंडेक्स उंगली वाई अते यू। इंडेक्स उंगली दो कीज नूं दबाउणगियां चाहे ओह कोई भी रो होवे। नेक्स्ट है तीजी रो उत्ते उंगलां दी स्थिति बारे दसो। छोटी उंगली जेड, रिंग उंगली एक्स, मिडल उंगली सी, इंडेक्स उंगली वी अते डी। वेरी गुड। छोटी उंगली स्लैश, रिंग उंगली फुल स्टॉप, मिडल उंगली कॉमा, इंडेक्स उंगली एन अते एम। हुण असीं गल करांगे न्यूमेरिक कीपैड उत्ते अंक टाइप करन समय किस हथ दी वरतों करनी चाहिदी है अते न्यूमेरिक कीपैड उत्ते उंगलां दी स्थिति बारे दसो। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिक कीपैड दी वरतों करदे होए सानू खब्बे हथ दी यानी राइट हैंड दी वरतों करनी चाहिदी है अते खब्बे हथ दी रिंग उंगली 6 ते, मिडल उंगली 5 ते, इंडेक्स उंगली 4 ते अते अंगूठा 0 ते होना चाहिदा है। प्यारे बच्चों, जदों भी असीं कोडिंग नाल कलर कोडिंग नाल कुछ याद करते हैं तां सानू याद बहुत छेती हो जाता है। इस तस्वीर च भी देखो जिहड़े कीपैड दे उत्ते जिहड़ा नाम कीपैड है उहदे ते जिहड़े कलर्स ने उही उत्तर विच दिखाए गए हन। इस नाल तुहानू याद करना बहुत ही सौखा हो जाएगा। हुण आ गया चैप्टर नंबर 2, विंडोज एक्सप्लोरर। सब तो पहला खाली थावां भरो। विंडोज एक्सप्लोरर दे दो पैन हुंदे हन, एह हन खब्बा ते सज्जा। विंडोज एक्सप्लोरर विच दो पैन हुंदे हन। तुसी स्लाइड नूं देखो, इस स्क्रोल बार दा खब्बा हिस्सा खब्बा पैन अते सज्जा पासा सज्जा पैन हुंदा है। डैश व्यू एक फाइल दा साइज, किस्म अते शोधन दी मिति नूं दर्शाउंदा है। देखो ए फाइल है, फाइल दा साइज, किस्म अते शोधन दी मिति सारा कुछ इस विच दर्शाया गया है। ता ए की है प्यारे बच्चों? डिटेल्स व्यू। इसदा सही उत्तर की है? डिटेल व्यू। डैश ऑप्शन दी वरतों फाइलां अते फोल्डर नूं लब्भण लई कीती जांदी है।
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਫਾਈਲ ਸਿਲੈਕਟ ਸਰਚ ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਰਚ ਚੌਥੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਰਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕੈਲ ਕੈਲ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੈਲ ਸੀ ਸੀ ਏ ਐਲ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਪੇਸਟ ਕੱਟ ਡਿਲੀਟ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੱਟ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਿੰਡੋ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਫੋਲਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਫੋਲਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕੀ ਪਲੱਸ ਆਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਬਾਓ ਜਾਂ ਰਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਚੌਥੀ ਸਹੀ ਗਲਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਪੰਜਵੀਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਕਾਪੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੇਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੱਜਾ ਪੈਨ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਪੈਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਖੱਬਾ ਪੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਸੱਜਾ ਪੈਨ ਹੈ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਓ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੇ ਭਾਗ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਬੈਕ ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਟਨ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਮੈਨਿਊ ਬਾਰ ਟੂਲ ਬਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫੋਲਡਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਐਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਬਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ ਐਨ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਲਡਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰ ਕੀ ਦਬਾਉਣੀ ਹੈ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਐਡਿਟ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸੀ ਦਬਾਓ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਪੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਐਡਿਟ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਵੀ ਕੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਬਾਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਈਟਮ ਪੇਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਸੀ ਕਾਪੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਵੀ ਪੇਸਟ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨੀਮੇਟਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਕਰੀਨ ਸੇਵਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਕੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ
डैश भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, प्राइमरी मेमोरी नूं इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। सेकंड है, डैश मेमोरी रीड ओनली मेमोरी नहीं होंदी। इस दा सही उत्तर है रैम, RAM। रैम रीड ओनली मेमोरी नहीं होंदी। एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इसका सही उत्तर है इंटरनल हार्ड डिस्क। इसका कारण है कि वो कंप्यूटर के अंदर लगी हुंदी है। मेमोरी दे छोटे छोटे भागों नूं की कहा जाता है? इसका सही उत्तर है सेल। मेमोरी दे छोटे छोटे भागों नूं सेल कहा जाता है। पंजवा, यूएसबी का मतलब की है? इसका सही उत्तर है यूनिवर्सल सीरियल बस। खाली थावां तो बाद प्यारे बच्चों हुण असी सही गलत करते हाँ। आम तौर पर फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंच दे साइज दी हुंदी है अते इसनू 1.44 MB डाटा स्टोर करने लिए वर्त्या जांदा है। यह बिल्कुल सही है। सेकंड, कंपैक्ट डिस्क एक पोर्टेबल डिस्क हुंदी है जिस विच 650 तो लेके 700 MB डाटा स्टोर करने की समर्था हुंदी है। यह सही है। पर्सनल कंप्यूटर दी हार्ड डिस्क दी स्टोरेज समर्था 20 GB तो 500 GB तक हुंदी है। यह बिल्कुल सही है। DVD दी स्टोरेज समर्था CD दे मुकाबले घट हुंदी है। बच्चों, यह गलत है क्योंकि CD दी स्टोरेज समर्था DVD दे मुकाबले घट हुंदी है। CD दे चमकीले पासे पेन जा पेंसिल नाल लिखना चाहिदा है। यह बिल्कुल गलत है। सानू CD दे चमकीले पासे पेन या किसी भी नुकेली चीज नाल लिखना नहीं चाहिदा है। पार्ट चौथा, MS वर्ड नाल फॉर्मेटिंग। सब तो पहला खाली थावा भरो। पहली खाली थां पूरे वर्ड नू चुनन लई उस उत्ते डैश क्लिक करो। सिंगल, डबल, ट्रिपल या कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डबल, दो बार। नेक्स्ट खाली थां है डैश ग्रुप। सानू टेक्स्ट, फॉन्ट, स्टाइल, साइज, रंग अते होर कई चीजा बदलन दी इजाजत दिंदा है। ऑप्शंस हैं फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल अते एडिटिंग। इसका सही उत्तर है फॉन्ट। शाबाश। नेक्स्ट खाली था है डैश का मतलब है अक्षरां नूं लिखदे होए उस दे हेठां लाइन खिंचणा। ऑप्शंस हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जां कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब अक्षरां हेठां लाइन खिंचणा। चौथी खाली था है डैश ऑप्शन दी वरतों करके टेक्स्ट एक हाईलाइटर पेन नाल मार किता होया नजर आंदा है। इस दे ऑप्शंस हैं फॉन्ट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, उपरोक्त सारे। इसका सही उत्तर है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। शेप नू दाखल करन उपरांत एक नवा टैब दिखाई दिंदा है जिसनू डैश कहा जांदा है। ऑप्शंस हैं ड्राइंग टूल फॉर्मेट, शेप टूल फॉर्मेट, ड्राइंग शेप फॉर्मेट या कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ड्राइंग टूल फॉर्मेट। आओ बच्चों हुण सही गलत करदे हां। असी क्लिप आर्ट दी मदद नाल अपने डॉक्यूमेंट विच टेक्स्ट नू स्पेशल इफेक्ट दे सकदे हां। यह सही है। टेक्स्ट बॉक्स एक ऑब्जेक्ट हुंदा है जिस नाल असी इस नू फाइल किते भी रख के टाइप कर सकदे हां। यह सही है।
टेक्स्ट इफेक्ट विच आउटलाइन शैडो ग्लो अते रिफ्लेक्शन हुंदा है। ये भी सही है। बोल्ड टेक्स्ट का मतलब है अखरां नूं तिरछा करके लिखना, यह गलत है। इटैलिक टेक्स्ट का मतलब हुंदा है अखरां नूं तिरछा करके लिखना। कीबोर्ड तो कंट्रोल अते ब्रैकेट्स कीज़ नूं इकट्ठियां दबाओ तां टेक्स्ट का साइज वड्डा जां छोटा हुंदा है। यह सही है। आओ बच्चियो, हुण छोटे उत्तरां वाले प्रश्न करदे हां। सब तो पहला प्रश्न, एमएस वर्ड विच टेक्स्ट नूं चुनन दे कोई दो तरीके बारे दसो। पहला माउस दी वरतों नाल अते दूसरा कीबोर्ड बटन दी वरतों नाल। टेक्स्ट नूं सिलेक्ट करन लई अपना कर्सर टेक्स्ट दे शुरू विच लै जाओ। माउस नूं क्लिक करो, इस नूं दबा के रखो, माउस नूं ड्रैग करके टेक्स्ट नूं सिलेक्ट करो, माउस दा बटन छड्ड दिओ, टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अते कीबोर्ड नाल देखो किवें सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट नूं सिलेक्ट करन लई अपना कर्सर टेक्स्ट दे शुरू विच लैके जाओ, शिफ्ट की नूं दबा के रखो अते एरेज की दी मदद नाल टेक्स्ट नूं सिलेक्ट करो। अंडू कमांड की हुंदी है। एडिटिंग समय कीते गए काम नूं असी अंडू कमांड दी वरतों नाल उल्टा भी सकदे हां। जेकर असी डॉक्यूमेंट विच टेक्स्ट नूं एडिट करन वेले कोई गलती कीती है तां क्विक एक्सेस टूल बार विचों अंडू कमांड दे क्लिक करके ठीक करते समय अते इस नाल सब तो आखिर विच साडे वल्लों कीता गया बदलाव हट जावेगा। कीबोर्ड तो कंट्रोल प्लस जेड कीज नूं इकट्ठा दबाउण नाल अंडू कमांड वरती जांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन मुख फॉन्ट स्टाइल केड़े हन? पहला है बोल्ड, सेकंड इटैलिक अते तीसरा है अंडरलाइन। शाबाश। फोर्थ क्वेश्चन है, असी टेक्स्ट इफेक्ट नूं किवें हटा सकते हां? टेक्स्ट इफेक्ट्स नूं हटाउण दा तरीका, जिस टेक्स्ट तों इफेक्ट हटाउणा चाहुंदे हो उस नूं सिलेक्ट करो। होम टैब विच फोंट ग्रुप विचों क्लियर उत्ते क्लिक करो, टेक्स्ट इफेक्ट हट जाएगा। एमएस वर्ड विच किन्ने केस बदलन दे ऑप्शन हन, उहनां दे नाम भी दसो। एमएस वर्ड विच 5 केस बदलन दे ऑप्शन हन, उहनां दे नाम हन सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड अते टॉगल केस। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एमएस वर्ड विच किन्ने अलाइनमेंट हुंदे हन, उहनां दे नाम अते शॉर्टकट कीज दसो। 4 अलाइनमेंट हुंदे हन, खब्बे पासे अलाइन करना कंट्रोल प्लस एल, सेंटर अलाइन करना कंट्रोल प्लस ई, सज्जे पासे अलाइन करना कंट्रोल प्लस आर, जस्टिफाइड अलाइन करना कंट्रोल प्लस जे की इकट्ठियां दबानियां हन। 7th क्वेश्चन है, असी एमएस वर्ड विच पेज ब्रेक किवें दाखल कर सकते हां? जिस जगह असी नवा पेज ब्रेक शुरू करना चाहते हां उत्थे क्लिक करो, इनसर्ट टैब उत्ते पेज ग्रुप विचों पेज ब्रेक ते क्लिक करो, नवा पेज ब्रेक दाखिल हो जाएगा। गुड जॉब। प्यारे बच्चों, तुहानूं इह रिवीजन लैक्चर किवें दा लग्या तुसी कमेंट बॉक्स विच जरूर दस्यो, अते किसी भी लैक्चर नूं मिस ना करन लई चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो। थैंक यू सो मच।